पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कांग्रेस टिकटों पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय हाईकमान के साथ संभावित चेहरों पर चर्चा कर रहे हैं। हमीरपुर से सुनील बिट्टू, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार हैं। एडवोकेट रोहित शर्मा, जो कि लंबे समय से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए पूरी तरह से डेवोटी हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिनका परिवार, जिनके पिता कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और खुद पुष्पेंद्र वर्मा पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन लंबे समय से समाज हित से जुड़े कामों में मशगूल हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस का टिकट मिला था, लेकिन तिकोनी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। इस बार टिकट के प्रबल दावेदार हैं नरेश ठाकुर, जो कि सीएम सुक्खू के खास हैं, करीबी हैं, वे भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा कुलदीप पठानिया, जो कि केसीसी बैंक के चेयरमैन हैं, हालांकि सुजानपुर से भी उनका टिकट के लिए नाम प्रबल दावेदारी उनकी थी, लेकिन ऐन मौके पर वहां पर कैप्टन रंजीत सिंह को टिकट दिया गया। लेकिन हमीरपुर सदर सीट से, जो कि खुद लमलू से आते हैं कुलदीप पठानिया, उनका नाम भी इस पैनल में है। अब इन पांच प्रत्याशियों में सीएम सुक्खू ने नाम तय कर लिया है किसको टिकट देना है। सिर्फ केंद्रीय हाईकमान से ठप्पा लगवाना चाहते हैं, और चर्चा यह भी है कि सीएम जिस प्रकार की सीएम की कार्यशैली है, जिस प्रकार के फैसले लेते हैं, वे ऐसे वर्कर, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देंगे जिन्होंने पहले चुनाव ना लड़ा हो, संगठन से जुड़े हो और संगठन के लिए लंबा अनुभव हो। देरा की बात करें तो सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का नाम चर्चा में, हम लगातार दो तीन दिन से आपको ये खबर दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेश शर्मा, नरदेव कमर, ओम प्रकाश शर्मा और खुद विप्लव ठाकुर का नाम चर्चा में है। लेकिन सीएम सुक्खू क्या अपने करीबी नरदेव कमर के नाम पर मोहर लगाएंगे या फिर अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतारेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि कमलेश ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अंतिम निर्णय सीएम को लेना है और इस फैसले के बाद केंद्रीय हाईकमान से भी ठप्पा लगवाना है, उनसे अनुमति इस बात की लेनी है। या फिर डॉक्टर राजेश, जो कि पिछले करीब करीब 8-10 सालों से देरा के रण में डटे हुए लोगों का काम कर रहे हैं, उन पे भरोसा जताया जाए या दिग्गज नेत्री को वहां से चुनावी रण में उतारा जाए, क्योंकि विप्लव ठाकुर का जिस प्रकार का प्रोफाइल है, काफी बड़ा नाम है। ये अलग बात है कि लंबे समय से देरा की पॉलिटिक्स में पहले की तरह एक्टिव नहीं दिखी है, लेकिन क्या पूरे मामले को लेकर सीएम सुक्खू जिस नाम को लेकर है, क्या दिल्ली मोहर लगा देगी, क्योंकि अड़चन नालागढ़ में साफ दिख रही है। हरदीप बाबा की प्रबल दावेदारी है, लेकिन लखविंदर राणा, जो कि सीएम सुक्खू के खास हैं, मित्र हैं, करीबी दोस्त हैं, उन्होंने हालांकि जब कांग्रेस का नाता छोड़ा था और भाजपा में शामिल हुए, तब भी उन्होंने कहा था सीएम सुक्खू को कि मुझे दुख है, मैं आपका साथ छोड़कर जा रहा हूं। अब चूंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में लखविंदर या हरदीप बाबा या एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी, किसकी यहां पर लॉटरी लगेगी, ये काफी दिलचस्प मामला बन गया है, क्योंकि सीएम इस समय दिल्ली में है, तमाम केंद्रीय नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और माना जा रहा कि आज देर शाम तक मोहर लग सकती है। हालांकि ये तय नहीं है कि टिकट आज फाइनल हो जाएंगे या कल तक बात सरक जाएगी, खिसक जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दो विधानसभा उपचुनावों की सीटों पर वाटी वर्कर्स, जिन्होंने कभी चुनाव न लड़ा हो, डेडिकेटेड हो, ऐसे वर्कर्स को टिकट देना चाहते हैं, जबकि एक विधानसभा की सीट पर पूरी तरह से सुजानपुर के फार्मूले को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार से भाजपा में सेंधमारी की और भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन रंजीत को टिकट दिया और कामयाब हुए, क्योंकि भाजपा ने भी उनको वोट दिया, कांग्रेस ने भी उनकी मदद की। तो ऐसे में अब पर सीएम सुक्खू एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से ये प्रयास कर रहे हैं कि सुजानपुर का फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर से आशीष शर्मा, देरा से होशियार सिंह और नालागढ़ से केएल ठाकुर को विधानसभा का टिकट दिया। अब काफी रोचक ये जंग हो चुकी है, क्योंकि सरकार के पास 3.5 साल का भी कार्यकाल है और सरकार इस बात पर वोट मांगेगी कि हमारे साथ चलिए, 3.5 साल का वक्त है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि
हमारे तीनों कैंडिडेट बेशक पिछली बार निर्दलीय जीत कर आए थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तीनों भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थे, विचारधारा से जुड़े थे। लिहाजा इन तमाम नेताओं को ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इन तीनों ही नेताओं में इतना दमखम है कि कांग्रेस को ये चुनावी शिकस्त देकर विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम में आज रमेश धवाला, जो कि धूमल सरकार में दो बार मंत्री रह चुके हैं, जयराम सरकार में वे जरूर एक 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 निगम के वे पदाधिकारी बनाए गए थे, एक बोर्ड के पदाधिकारी बनाए गए थे, लेकिन वह इस चुनावी रण में क्या भूमिका निभाएंगे, इसे लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा की, बैठक की, और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, और उस वीडियो में रमेश धवाला साफ कह रहे हैं, क्योंकि वो पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, उसमें साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट देती है और देहरा जिला बनाने का वायदा करती है तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के काफी मित्र, काफी सहयोगी हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि चाहते हैं कि मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को यह संदेश पहुंचा दिया है कि अगर कांग्रेस सरकार यह वायदा करती है कि मुझे टिकट दिया जाए, मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, और साथ में यह प्रॉमिस भी करती है कि देहरा को जिला बना दिया जाए, तो मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अब देखना यह है कि वाकई धवाला साहब ने जिस प्रकार से बात की है, क्या वाकई कांग्रेस उनको टिकट देंगी या फिर उन्हें अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह के साथ चलना पड़ेगा, या फिर वहां से भी लाहौल स्पीति की तरह किसी कैंडिडेट को तैयार किया जाता, क्योंकि सूचना इस प्रकार की आ रही है कि देहरा और हमीरपुर सदर इन दोनों ही सीटों में फिलहाल भाजपा में बगावत के सुर नहीं दिख रहे, लेकिन भीतर खाद जरूर हो सकता है, यानी कि भाजपा कोई मजबूत नेता वहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये इनपुट वहां से आ रहे हैं, जो पार्टी को इनपुट है ना तो देहरा में और ना ही हमीरपुर सदर की सीट से कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ रहा, बागी होकर चुनाव नहीं लड़ रहा निर्दलीय, लेकिन भीतरघात हो सकता है, भाजपा इस भीतरघात को पाटने की पूरा प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी के चलते हीट वेव इस कदर हावी हो गई है कि सिरमौर जिला के एक समूचे सब डिवीजन पामटा साहिब के उपमंडल के सभी स्कूलों को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी। एसडीएम पामटा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 16 तारीख तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएंगे, अब सोमवार सुबह स्कूल खुलेंगे। हालांकि सोमवार को भी दोबारा रिव्यू किया जाएगा हीट वेव का कितना असर है, टेम्परेचर किस प्रकार से, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने में बेहद दिक्कत हो रही है, बच्चों को चक्कर आ रहा है, सनबर्न के केस हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इसी के चलते ये फैसला लिया गया है कि पामटा के समूचे प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रखे जाएंगे। एसडीएम पामटा द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के बाद अब दूसरे स्कूलों को भी यह कह दिया गया है कि आप देखिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है कि हीट वेव का असर वहां भी अगर पामटा की तरह है, उन स्कूलों के बारे में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, एसडीएम फैसला ले सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर्स को भी यह हिदायत दी गई है कि आप एसडीएम को यह प्रपोजल भेज सकते हैं, अगर स्कूलों में दिक्कत आ रही है दूसरी जगह हीट वेव की, तो यह प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में ला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर, इसके बदलाव को लेकर जो खाका एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तैयार किया था, मंत्री से ये फाइल अप्रूव हो गई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग के सचिव, जो कि मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी भी हैं, राकेश कंवर, उन्होंने कहा कि ये फाइल अब मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी, मुख्यमंत्री के दिल्ली लौटने के बाद इस फाइल पर नोटिफिकेशन को लेकर फायदा होगा, क्योंकि राकेश कंवर का कहना है कि फाइनल अप्रूवल के लिए ये मुख्यमंत्री को फाइल भेजी है, ऐसे में अगले हफ्ते इस पर नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो प्रपोजल आया था उसे मिनिस्टर से अप्रूवल मिल गई है, लेकिन फाइनल अप्रूवल के लिए ये फाइल सीएम को जाएगी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियों के बदलाव के लिए यह तय किया गया था कि मानसून ब्रेक का समय 22 जून की बजाय 14 जुलाई होगा, यानी हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जून की बजाय 14 जुलाई से होगी, ये प्रपोजल दिया गया था, और इस प्रपोजल को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गई थी। अप्रूवल मिलने के बाद अब इस फाइल को मुख्यमंत्री को भेजा गया। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली प्रवास पर गए हैं, जहां पर टिकटों का फैसला होना है, और इस फैसले के बाद, टिकटों पर फैसला करने के बाद, मुख्यमंत्री जब वापस आएंगे तो यह फाइल भेजी जाएगी, क्योंकि प्रपोजल पर मंत्री की तरफ से अप्रूवल मिल गई है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एक बार
मुख्यमंत्री से अप्रूवल लेना बेहद जरूरी है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 22 जून को ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती थी, लेकिन अब इन्हें 15 जुलाई से किया जाएगा, माफ कीजिएगा 22 जून की जगह 15 जुलाई से 21 अगस्त तक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह कुल्लू जिले में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त तक होगी और शीतकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक होगी। ये बदलाव पिछले साल के अनुभव के आधार पर किया। पिछले साल जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के कारण ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के स्कूल बंद रहे थे, यानी पुरानी व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश में फिर लागू कर दिया जाएगा। पहले भी 15 जुलाई से 38 दिन की छुट्टियों का प्रावधान था। अब बात करें हिमाचल प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति भर्ती पर, तो सरकार ने चुनाव आयोग को इसकी फाइल परमिशन के लिए भेज दी है। जेबीटी व टीजीटी के 2160 पदों पर आयोग की परमिशन मिलने के बाद अब नियुक्ति शुरू होगी। इसमें 1132 जेबीटी और 1128 टीजीटी शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने आज कमीशन को यह प्रस्ताव भेज दिया। जेबीटी के रिजल्ट घोषित करने पर भी आयोग से परमिशन मांगी है। चुनाव आचार संहिता के चलते पहले भर्तियों का मामला लटक गया था, अब एक बार या फिर आचार संहिता के चलते परमिशन मांगी गई है। इस बार हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में भी भर्तियों पर फोकस रहेगा। 18 तारीख को ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। करीब 3.5 महीने के बाद ये कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें ट्रामा सेंटर में पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती का प्रपोजल कैबिनेट में आएगा। आईजीएमसी चंबा, टांडा मेडिकल कॉलेजों के ट्रामा सेंटर में डेडिकेटेड पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्तियों का एजेंडा भी लाया जाएगा। इसके अलावा 4500 एनटीटी भर्ती का मामला फिर कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर के 200 पदों को भरने की स्वीकृति का मामला कैबिनेट में लाया जा रहा है। जेई जल शक्ति विभाग में जेई के 116 पद भरने का भी मामला आज वित्त विभाग को मिला है और वित्त विभाग से अप्रूवल मिली तो 18 की कैबिनेट में यह एजेंडा भी लगेगा। जीआईटी पोस्ट को 939-903 की भर्ती का फैसला भी कैबिनेट में होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौर है क्योंकि उपचुनाव चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिस प्रकार की एक क्लैरिफिकेशन आई है उसके अनुसार अब कांगड़ा जिला के सिर्फ देरा में ही एमसीसी लागू होगी, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगेगी। बाकी अन्य तमाम 14 विधानसभा क्षेत्रों में ये आचार संहिता लागू नहीं होगी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन तमाम जिलों में सिर्फ वहीं पे आचार संहिता लागू होगी जहां पर चुनाव हो रहा है, बाकी जिलों में छूट दी जाएगी। क्योंकि अब सोलन जिला में भी एमसी है, इसके चलते सिर्फ नालागढ़ में ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लगेगी। बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्रों, चाहे सोलन सदर हो या अर्की हो या कसौली हो, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता नहीं लगेगी। इसी तरह से कांगड़ा जिला की बात की जाए तो सिर्फ देरा विधानसभा सीट में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी, बाकी अन्य 14 विधानसभा क्षेत्रों में इसकी छूट दी गई है। तमाम विकास कार्य हो सकते हैं, तमाम गतिविधियां चल सकती हैं, इसमें आचार संहिता का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। हमीरपुर के पूरे जिला में आचार संहिता रहेगी, क्योंकि हमीरपुर जिला में कोई एमसी नहीं है, कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, वहां पर नगर पंचायत है, नगर परिषद है, इसके चलते हमीरपुर के पूरे जिला में आचार संहिता लागू रहेगी। क्योंकि जब ये इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन आई तो कई लोग कंफ्यूज थे इसे लेकर, लिहाजा स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ कांगड़ा और सोलन, दो विधानसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहा है, वहीं पर आदर्श चुनाव आचार संहिता रहेगी, बाकी हमीरपुर पूरे जिला में होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली पहुंचने पर आज कहा कि हिमाचल प्रदेश को किसी भी राज्य को पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना था कि पानी रोकने का हक किसी को भी नहीं है। हिमाचल से दिल्ली पहुंचे सीएम मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बता रहे थे कि हिमाचल का पानी हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाता है, लिहाजा इस मसले पर कानूनी अड़चन सबसे बड़ी बाधा है। सीएम ने कहा कि इस मसले पर दिल्ली सरकार को हरियाणा से सहमति बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने एमओयू के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सीएम का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी राज्य को पानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर राज्य देश का हिस्सा है। तीन विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों की अटकलों पर सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में यह चुनाव किस प्रकार से आया, इसके लिए कैसी परिस्थितियां किस
प्रकार की परिस्थितियां बनी, इसके लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता बुद्धिमान है कि 3.5 साल का समय अभी हमारा बाकी है और इन चुनावों में जनता ठोक कर जवाब देगी। सीएम ने कहा उपचुनाव में मुद्दा आजाद प्रत्याशियों के पद के इस्तीफे का सबसे बड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि आजाद प्रत्याशी किसी भी पार्टी का साथ दे सकते थे, ऐसे में अपने पदों से इस्तीफा देने की क्या बुद्धिमत्ता उन्होंने दिखाई, जनता इसका सवाल पूछेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा जल्द ही टिकट घोषित कर दिए जाएंगे और इसी मसले पर आज बैठक चल रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए राजमार्गों का समय रहते उचित रख रखाव करने के आदेश पारित किए। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को राजमार्गों का समय रहते उचित रख रखाव करने के आदेश जारी किए ताकि आने वाली बरसात में किसी भी आपदा से निपटा जा सके। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अन्य सड़कों की स्थिति अच्छी बनी रहे ताकि नागरिकों को भोजन ईंधन इत्यादि की आवश्यक आपूर्ति बनाई जा सके। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने NHAI को आदेश पारित करते हुए बरसात से पहले ब्यास नदी के बीच बड़े बड़े पत्थरों और बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाने को कहा है ताकि नदी के पानी का बहाव नदी के तट से टकराकर राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान न पहुंचा सके। कोर्ट ने NHAI और प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ये आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा यद्यपि NHAI ने पिछले वर्ष की बरसात में क्षतिग्रस्त अधिकांश सड़कों को दुरुस्त कर दिया है, परंतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मसले से जुड़ी मीटिंग की कार्रवाई परेशान कर देने वाली तस्वीर पेश कर रही है। मीटिंग की कार्रवाई के दौरान मुख्य सचिव ने बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली के बाद NHAI ने जिला कुल्लू से बहने वाली ब्यास नदी के किनारे सुरक्षित रखने के संबंध में कोई उपाय नहीं किया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राजमार्ग की बहाली के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की नदी से ऊंचाई काफी कम हो गई है और मानसून के मौसम के दौरान क्षति की पूरी संभावना है। उपायुक्त कुल्लू ने भी बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ संवेदनशील बिंदु ऐसे हैं जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन NHAI द्वारा इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। बैठक के उक्त मिनट्स में ड्रेजिंग मुद्दे को भी उल्लेख किया गया है और जिसमें प्रतीत होता है कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की मशीनरी पर भरोसा किए बिना NHAI द्वारा नदी के तल से बड़े बड़े बोल्डर को हटाने का कार्य करने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि बोल्डर तब तक हटाए जा सकते हैं जब तक नदी का जलस्तर कम होगा। कोर्ट ने अफसोस जताया कि ये अभ्यास अक्टूबर 2023 और मई 2024 के बीच पानी की कमी वाले मौसम के दौरान किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले वर्ष भारी बरसात के कारण सैकड़ों सड़कें तबाह हो गई थी। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने कहा था कि लोक निर्माण विभाग का अगली आपदा से पहले जागना जरूरी है, नींद में सोए PWD विभाग का जागना जरूरी है। आपदा के बाद जागने से नुकसान की भरपाई ही करनी होगी जिससे जनता के धन का दुरुपयोग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड IAS अफसर तरुण कपूर पर एक बार फिर उन्होंने भरोसा जताया है। PM मोदी ने तरुण कपूर को दूसरी बार PMO में एडवाइजर लगाया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने बीती शाम इसे लेकर आदेश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग के सचिव दीप्ति उमाशंकर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार तरुण कपूर को अगले 2 सालों के लिए PMO में नियुक्ति दी गई है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडवाइजर लगाया गया है। 2 मई 2022 को तरुण कपूर को PMO में 2 साल के लिए एडवाइजर लगाया गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तरुण कपूर का ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है। हिमाचल में साल 1987 बैच के IAS तरुण कपूर नवंबर 2022 में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय में बतौर सेक्रेटरी रिटायर हुए थे। 2019 तक वह हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे थे और वह चंबा जिला के ढलोजी से ताल्लुक रखते हैं। अब बात करते हैं सिरमौर जिला के हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल की गुमशुदगी पूरे प्रदेश के लिए टेंशन का विषय बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के 25,000 पुलिस जवानों के लिए चिंता का सबब बन चुका है। हर माँ बाप बच्चा ये दुआ कर रहा है कि हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी जल्दी से जल्दी घर लौट आए। इस पूरे मामले को लेकर आज पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और DIG क्राइम DK
चौधरी की अगुवाई में हिमाचल पुलिस के 50 जवानों की एक दर्जन टीमें मैदान में उतार दी हैं। सिरमौर जिला के कई स्थानों पर इन टीमों को भेजा गया। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में भी इन टीमों को सघन तलाशी के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी 11 जून की रात 11 बजे पोमटा पुलिस थाने से अचानक गायब हुए थे। एसपी सिरमौर के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने 6 मिनट का वीडियो जारी किया था, जिसमें कई बड़े आरोप लगाए थे, जिसमें नौकरी छोड़ने, आत्महत्या की धमकी तक का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पुलिस थाना में रात को 11 बजे खड़ी कर दी, गाड़ी की चाबी और मोबाइल नंबर अपने सरकारी रूम में रख दिया। फिर रात 11 बजे वे अपने थाना से बाहर चले गए और बाकायदा सीसीटीवी की फुटेज में देखा जा रहा है कि ठीक 11 बजे जसवीर सैनी पुलिस थाना से बाहर जा रहे हैं, लेकिन आगे 3-4 सड़कें हैं, उसके बाद वे किस तरफ गए ये कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है। और इसे लेकर करीब 66 घंटे बीत चुके हैं और 66 घंटे से अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है कि जसवीर सैनी कहाँ है। हालाँकि डीके चौधरी ने बताया कि अलग अलग टीमें अलग अलग राज्यों और सिरमौर जिला के कई हिस्सों में तैनात कर दी हैं और पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिस को इस तरफ कोई बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन परिजन पूरी तरह से इस मांग पर हट गए हैं कि एसपी सिरमौर का तबादला किया जाए, उन्हें हटाया जाए। बड़े आरोप अभी ये भी लग रहे हैं कि गुंडा टैक्स में शामिल गिरोह इस प्रकरण का मास्टरमाइंड है। हालांकि ये तमाम आरोप हैं, आरोपों की वहां पर जांच भी चल रही है। अब दोनों तरफ से कई तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं। पुलिस पक्ष की तरफ से कई लोग इस प्रकार की कंप्लेंट्स कर रहे हैं जो पुलिस का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। वह जसवीर सैनी की मानसिकता, उसकी डेडिकेशन को लेकर, उसकी निष्ठा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि एक बड़ा दबका बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कह रहा है कि जसवीर सैनी जुनूनी थे, जुझारू थे, ईमानदार थे, डेडिकेटेड थे और उन्होंने कम से कम हिम्मत दिखाई, अपने आला अफसरों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद क्या पता उनको क्या सज़ा मिलती है, लेकिन कम से कम दम उन्होंने जरूर दिखाया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त तरीके से शुरू हो गए हैं और परिजनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो गिरोह जो गुंडा टैक्स में भी कभी शामिल रहता था, गुंडा टैक्स को बढ़ावा देता था, इस गिरोह में कुछ छुटभैये नेता भी हैं, कुछ पुलिस अफसर भी हैं जो इस समय दूसरे जिलों में तैनात हैं, उनकी संलिप्तता भी इसमें बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जसवीर सैनी को गायब किया गया है और ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आला अफसर हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी को बुरी तरह से परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, केस में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा ऐड करने का दबाव बना रहे थे, थ्रेट किया जा रहा था कि आप धारा ऐड कीजिए। और ये कहानी दूसरे पुलिस के कर्मचारियों को भी पता, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक सही मायने में यह कहा गया था कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए, एक ट्रैक्टर चालक जो निर्दोष है उसको पीटा गया है, उसे न्याय मिलना चाहिए, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और पुलिस का पक्ष ये भी आ रहा है कि अगर जसवीर सैनी इस मामले में जांच नहीं करना चाहते थे तो वे अपनी फाइल आला अधिकारियों को दे सकते थे, वे लिख सकते थे कि वे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं है, ये जाँच किसी दूसरे को दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जिस प्रकार से वीडियो में जसवीर सैनी कह रहे हैं, उनके परिजनों का या उनके पक्ष में हुए स्थानीय लोगों का पक्ष है कि जसवीर सैनी ये साफ कह चुके थे कि अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर आला अधिकारियों को कोई डाउट है तो इसकी जांच किसी दूसरे से करवा लें, उन्हें जबरदस्ती परेशान किया क्यों किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर देखें तो हिमाचल प्रदेश के भी कई ऐसे पुलिस थानों की कहानी है जहां पर गाये बगाहे दबी जबान में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मुंशी, एएसआई या सब इंस्पेक्टर ऐसी बातें कहते हुए सुने गए या कहते हैं कि बॉस का प्रेशर है, बॉस का दबाव है, बॉस ने ऐसा करने को बोला है। और कई बार इस डिप्रेशन में भी देखा जाता है इन पुलिस के छोटे कर्मचारियों को, जिसमें नॉन गजटेड ऑफिसर्स होते हैं या हेड कांस्टेबल कांस्टेबल होते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सारे पुलिस आला अधिकारी ऐसे नहीं हैं, यह भी सच है। हिमाचल प्रदेश में डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, जिस प्रकार से कई ऐसे पुलिस अधिकारी अगर नाम लेने लगेंगे तो काफी वक्त लगेगा, अतुल फुलझेले हैं, सतेंद्र पाल हैं, कई ऐसे शानदार ऑफिसर हिमाचल प्रदेश में हैं जिनकी निष्ठा और जिनकी ईमानदारी की लोग कसमें खाते हैं। लेकिन यह पुलिस थानों की चर्चा है, यह पुलिस थानों में कहते हैं कि कई इसी विभाग में कुछ एक ऐसे भी अधिकारी हैं जो कि निचले स्तर को टॉर्चर करते
हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। पुलिस का तनाव देखिए आप, पुलिस थानों में तैनात, चाहे वो SHO है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, वह 2 घंटे की आराम की नींद नहीं सो सकता। अगर रात को एक्सीडेंट होगा उठकर जाना पड़ेगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी जाना पड़ेगा, कोई कंप्लेंट करने आ जाएगा थाने में जाना पड़ेगा, 24 घंटे ड्यूटी, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर, ऊपर से आला अफसरों का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर। अब यह भी माना जा रहा है कि वाकई ही इस मानसिक प्रताड़ना का शिकार था संजीव सैनी या कहानी कुछ और है। लेकिन हमारी जनता क्या समझती है, आप क्या समझते हैं, ये जरूर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दें। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोच है, आपका क्या विचार है, आपका अपना क्या मानना है, क्या वाकई निचला कर्मचारी दबाया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, या फिर पुलिस के आला अफसर वो काम करते हैं जो कानून के दायरे में हैं, जो संविधान की जद में शामिल हैं। ये इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही जसवीर सैनी इनोसेंट थे, डेडिकेटेड थे, ऑनेस्ट थे, और आखिरकार जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाराजगी, अपनी निराशा जग जाहिर की? क्योंकि कई अब इस बात को ऐसे भी मान रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर जसवीर सैनी ने हिम्मत दिखाई है, जज्बा दिखाया है, अपनी बात को बुलंद करने का प्रयास किया है, और जो ऑफिसर्स टॉर्चर करते हैं उस बात को सामने रखा है। लेकिन क्या वाकई ही वहाँ पर जो SP सिरमौर हैं या DSP एडिशनल SP हैं, क्या वाकई ही वह जसवीर सैनी को परेशान कर रहे थे, या जिस ट्रैक्टर चालक की बुरी तरह से पिटाई हुई, डंडों से पिटाई हुई, आला अधिकारी ये चाहते थे कि उस गरीब को भी न्याय मिले? कहानी, ये पूरी कहानी अभी रहस्य बनी है। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब हिमाचल पुलिस का हर जवान जानना चाहता है, हर अफसर जानना चाहता है, हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि सच्चाई क्या इस पूरे केस की, हुआ क्या इस पूरे मामले में। क्योंकि जिन परिस्थितियों में, जिन रहस्यमयी ढंग से जसवीर सैनी गायब हुआ, वह वाकई एक टेंशन वाली बात है। पुलिस पक्ष की माने तो हेड कांस्टेबल को निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा गया था। बहरहाल ये पूरा मामला पूरी तरह से उलझ गया है, क्योंकि इस मामले को लेकर अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इसका जवाब ढूंढ रहा है। क्योंकि इस पूरे वाक्य की बात की जाए तो इसे लेकर यह भी माना जा रहा है कि वहाँ पर इंडस्ट्री है, माइनिंग है, और ख़ासकर ये पोमटा वाला इलाका हो, फिर नूरपुर वाला इलाका हो, ऊना वाला इलाका हो, जहाँ पर माइनिंग भी है, इंडस्ट्री भी है, जाहिर तौर पर वो काफ़ी फर्टाइल लैंड मानी जाती है। इसलिए आप क्या मानते हैं, क्या वाकई पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या नॉन गस्टर्ड पुलिस के पर पुलिस के आला अफसर दबाव बनाते हैं, या इस मामले की कहानी कुछ और है? जाहिर है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, वहां परिस्थितियों को देखते हुए DK चौधरी को यह दायित्व सौंपा गया है कि आप वहां पर जाइए, आप सर्च ऑपरेशन कीजिए, ढूंढ के लाइए। फिर भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, जांच, चाहे वो दोनों पक्ष के आरोप आ रहे हों, सिरमौर पुलिस ही कर रही है। यही बजाय कि परिजन परेशान है, परिजनों का कहना है कि आरोप जिनके खिलाफ लग रहे हैं, जांच भी वो कर रहे हैं, आप बाहर की पुलिस भेजिए। क्योंकि DK चौधरी को जो दायित्व राज्य सरकार ने भेजा है, वह सिर्फ दायित्व है लापता हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी को ढूंढने का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी लोकल पुलिस कर रही है। और मजेदार बात यह कि चार्जेस भी, एलिगेशन भी लोकल पुलिस के खिलाफ लग रहे हैं, लोकल पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ एलिगेशन लग रहे हैं। यही वजह कि धड़ाधड़ अब दोनों तरफ से शिकायतों की झड़ी लग गई है। क्योंकि आज जिस प्रकार से आज दूसरे पक्ष की तरफ से भी कई शिकायतें SP को सौंपी गई हैं, यही वजह है कि यहां पर परिजन, जसवीर सैनी के परिजन कह रहे हैं कि आप इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन किसी थर्ड एजेंसी से करवाएं, बाहर की एजेंसी से करवाएं, सिरमौर पुलिस इस पूरे मामले में बिल्कुल बिल्कुल शामिल ना हो। फिर एक बार अपने दर्शकों से चाहेंगे, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी निष्पक्ष, निडर, विवाक अपनी राय जरूर रखें। आज एक पंजाब का युवक ब्यास नदी में डूब गया, पंजाब के कुराली का ये रहने वाला था। युवक की तलाश के लिए SDRF और सुंदरनगर के गोताखोरों की टीमें मौके पर तैनात की गई, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। सुबह पंजाब से 5 दोस्तों के साथ रोहतांग घूमने के लिए जा रहे थे, जब ये बिंद्रावनी के पास पहुंचे तो ब्यास नदी की ओर उतर गए। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें ब्यास में नहाने से मना भी किया, लेकिन वे बिल्कुल नहीं माने। इस दौरान एक युवक जसदीप सिंह निवासी कुराली अचानक पैर फिसल गया और ब्यास नदी में बहने लगा। डूब रहे युवक को बचाने के लिए उसके दोस्तों ने भी नदी में छलांग लगाई, जिससे प्रवासी मजदूर ने डूबने से बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही SDRF और पंडो चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई हैं और वहां पर जसदीप सिंह
का कोई सुराग बेशक नहीं लग पाया, लेकिन सर्च ऑपरेशन भी तेज चल रहा है। धर्मशाला में एक विदेशी टूरिस्ट ने टूरिस्ट के साथ रेप का मामला सामने आया। महिला की शिकायत पर इस प्रकार की शिकायत आई है, पिछले कल महिला ने युवक के खिलाफ FIR करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भागसू नाग के युवक को आज गिरफ्तार भी कर लिया और FIR भी दर्ज कर ली। पुलिस ने बताया कि युवक ने उसे शादी करने का झांसा देकर धोखे में उसके साथ रिलेशन बनाए। युवक अब शादी करने से मना कर रहा है। महिला अविवाहित बताई जा रही है, उसकी उम्र 39 साल की है, जबकि आरोपी 24 साल का युवा लड़का है। ASP कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि मैकलोडगंज पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 के तहत FIR दर्ज कर ली है। मामले में स्थानीय युवक को गिरफ्तार कर लिया, उसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। हीट वेव की चपेट में पूरा हिमाचल आ चुका। 9 जिलों में जबरदस्त लू चल रही है। राज्य के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में हीट वेव की खतरनाक वहां पर सूचना है और इसके चलते प्रदेश के 10 स्थानों पर तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। अभी तक 3 दिन और लू चलेगी। 18 जून से गर्जन के साथ बारिश का अनुमान है। आज भूकंप के झटकों से कुल्लू हिल गया। रिएक्टर स्केल पर 3.0 इसकी तीव्रता मापी गई। सुबह 3:39 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर इसकी तीव्रता दर्ज की गई। शिमला के समर फेस्टिवल की बात की जाए तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इसका शुभारंभ करेंगे। पहली संध्या पहाड़ी होगी। नाट्य किंग कुलदीप शर्मा धमाल मचाएंगे। 16 को रुदारी कबाल व बॉलीवुड सिंगर साज भट्ट की प्रस्तुति होगी। 17 को पार्श्व गायक महालक्ष्मी आयर आएंगी। 18 जून को पंजाबी गायक दलेर मेहंदी शिमला के रिज मैदान में समा बांधे।